ये जो जघन्य घटना हुई वो 2/3 की रात को हुई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक हमारे सीओ साहब भी थे, और 7 लोग घायल हुए थे। घायलों की स्थिति अब ठीक है, सब लोग खतरे से बाहर हैं। और घटना इतनी गंभीर थी कि इसका तत्काल संज्ञान लिया गया, पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं और बाद में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पर गए और उन्होंने सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिवारजनों से भी मिले। और प्रदेश में पहली बार हर एक मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया, असाधारण पेंशन की घोषणा की गई तथा प्रत्येक जो मृतक है उसके यहाँ मृतक आश्रित में नौकरी का भी आश्वासन दिया गया। ये जो हमारे बल को झटका लगा उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की। और लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए, अधिकारी शहीद हुए, उनके जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इसके विवेचना का प्रश्न है तो तत्काल मुकदमा दर्ज करके 3 तारीख की सुबह ही मुठभेड़ हुई, उसमें 2 बदमाश मारे गए। उनके पास से पुलिस की लूटी हुई एक ग्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी